नजर आए हैं, इसके पीछे क्या खास वजह है? ये एक तरीका है सेठ जी को खुश करने का, उन्हें इम्प्रेस करने का, क्योंकि उन्होंने घर से निकाल दिया है। तो हम लोग तरह तरह के जो इलायची जी आइडिया लेके आती हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं कि शायद किसी तरीके से सेठ जी खुश हो जाएं, इम्प्रेस हो जाएं, वो दोबारा हमको घर में रख लें। ओके, तो आप इतना गुस्से हो रहे थे? हाँ, वो एक्चुअली सोनपाल आए थे तो मैं सोनपाल के बहाने सेठ जी को सुना रही थी कि इन पर मेरी बातों का कुछ असर हो और उनका दिल पसीजे, और फिर वो कहें चलो ठीक है अच्छा वापस आ जाओ। तो कोशिश वही चल रही है कि कैसे इनको खुश करें, कैसे इम्प्रेस करें। तो आने वाले एपिसोड्स में वापस जाएंगे पंचम अपने घर या इसी तरह रहेंगे बाहर? अभी ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि हम लोग कई हथकंडे अपना चुके हैं लेकिन सेठ जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये एक ये आइडिया था इलायची जी का कि ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि उनके दादाजी पहले हाथ गाड़ी चलाते थे तो उनसे थोड़ा कनेक्ट हो जाते हैं कि यार मेरे दादाजी बहुत परेशानी उठाई हैं उन्होंने, आज हम लोग जो यहाँ पे हैं, तो शायद उनका दिल ऐसा मतलब एक इमोशन जागे कि यार चलो ये लड़के फिर से परेशान हो रहे हैं तो इन्हें रख लो घर में, हेल्प करें वो। लेकिन मुझे अभी तो इतना सब कुछ हुआ उन पर कोई असर ही नहीं पड़ा, वो तो बड़ा पत्थर दिल हो रखे हैं। थैंक यू। जहाँ घर नहीं है वहीं मतलब जेल को घर बनाने के इरादे चल रहे हैं? हाँ, एक्चुअली क्या ना कि कहीं और रहने का तो कोई ठिकाना है नहीं, तो ये हम सब लोगों का प्लान है कहीं तो कोई ठिकाना मिले। सेठ जी ने तो निकाल दिया घर से, तो सोचा यहीं थाने में तब तक कुछ दिन गुजार लेंगे। लेकिन चूँकि थाने में क्या होता है, पुलिस ऐसे तो रखती नहीं है हवालात में या जेल में किसी को ऐसे तो रखते नहीं हैं, तो फिर थोड़ा वो मारपीट करनी पड़ी है कि जिससे कि पुलिस कोई तो गुनाह करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम लोगों ने पिंकी दरोगा को थप्पड़ भी मार दिया, उनके साथ बदतमीजी की कि कैसे भी करके हवालात में बंद कर दिए। भाई कहीं ना कहीं पिंकी जी साथ में ही थे, आप लोगों के साथ ही दे रहे थे कि आपको रहने की कोई जगह मिल जाए जेल में? हाँ हाँ, वो तो था, लेकिन वो कह रहे थे कि ऐसे कैसे रख लें, कुछ तो मतलब कोई गुनाह कोई अपराध तो तब रखवाएंगे, तो वो उनके समझ में नहीं आ रहा तो हमने अपराध कर दिया उन्हें पीट के उनके ऊपर पानी डाल के। इलायची जी भी थी और सब थे वहाँ पे, बट आप दोनों को ही जेल में रखा गया था? हाँ नहीं, एक्चुअली क्या इलायची जी का ही प्लान है ये कि जब तक घर में जगह नहीं मिल रही है, घर से निकाल दिया है तो कहीं और कहाँ जाएंगे, और तो कोई जानता ही नहीं है, तो बस यही एक ठिकाना एक सेफ सुरक्षित जगह है कि जहाँ हम रह सकते हैं। तो उनका ये प्लान था कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि पिंकी जी थाने में रख लें। बट मुरारी जी ने आप लोगों को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? ये एक्चुअली क्या है कि इलायची जी का ऐसा प्लान था कि सेठ जी से पंचम जो है थोड़ा गर्मी से बात करे, जोश दिखाए उनको, और उनको उनसे दबे ना, तो पंचम ने थोड़ा सा बदतमीजी तो नहीं की लेकिन यह है कि उन्हें जवाब दिए तो उन्होंने को लगा ये बदतमीज है, इसे घर से निकाल दो, तो घर से निकाल दिया उन्होंने। इसलिए तो क्या है कि इलायची जी की बदौलत ही है जो घर से निकले हैं, तो इसीलिए हेल्प कर रहे हैं कहीं तब तक थोड़ा ठिकाना मिल जाए, बाकी आगे देखें क्या होता है। आगे मतलब कैसे टैकल करने वाले, कब तक जेल में रहने वाले पिंडू भाभी और अभी क्या है, जब तक तो कोई और ठिकाना नहीं मिल रहा है तो सबसे सुरक्षित जगह जो है थाना जेल, क्योंकि वहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी भी है, जगह भी है अच्छी, भी पंखे भी लगे रहने के लिए। और बाकी आजकल कहीं शहर में जाओ तो कहीं बाहर घूमने से रोड पे लेटने से बेहतर है कि अपना पुलिस स्टेशन में लेटो, सुरक्षित भी हो और सेफ हो वहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच। जी, दरअसल क्या है कि कुछ खटपट के कारण जो भी कोई आर्गुमेंट हुआ जिसके कारण सेठ जी ने बोला है कि तू घर से बाहर निकल जा, तो हम घर छोड़ के आए, और क्योंकि और कोई जगह नहीं है तो इसलिए हमने थाने को डिसाइड किया कि थाने में जाके किसी तरह से जेल में रह लेंगे, पर कम से कम एक छत तो मिलेगी। हाँ, क्योंकि ये इलायची जी का ही आइडिया है तो इसीलिए वो साथ दे रही है। जी कुछ नहीं, हमारी कुछ एक बहस हो चुकी है जिसमें वो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उन्हें बोल रहे हैं कि अब हम नहीं दबेंगे, और इस बहस में कुछ बहसम बहसी और ऊपर हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें घर से बाहर निकाल दिया जाए फिलहाल, पर ये दो तीन बार चलेगा स्टोरी में। मतलब पुलिस स्टेशन में हाथापाई भी होगी, पानी वानी छिड़के जा रहे हैं।
जी वो दरअसल क्या है कि एक गुनाह करना ज़रूरी है ताकि हम जेल में रह सकें, तो हम लोगों ने एक आइडिया निकाला क्योंकि हम जेल में वैसे तो रह सकते नहीं है, तो हमने पुलिस वाले के ऊपर जो हमारे दरोगा साहब हैं उनके ऊपर प्यार से पानी छिड़क दिया ताकि एक गुनाह भी हो जाए और हम रह भी पाए। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बारिश हो रही है, रोमांस हो रहा है और चाय पकौड़े भी, क्या हो गया रहा? जी चाय पकौड़े के साथ हम लिटरली इंजॉय कर रहे हैं, जो पापा का बेचारे पापा पे जो चलान पड़ गया ऑलमोस्ट 80-85 के का चलान मैंने कटवा दिया है पापा का, एंड हम उसी बात का जश्न मना रहे हैं कि हम बड़े अच्छे नागरिक हैं कि हमने रूल्स फॉलो किए, और हमारी भी गलती थी, एक बार हेलमेट नहीं लगाया था और दूसरी बात यू ना सिग्नल तोड़ दिया था, तो ऐसे करके 2-3 बार में हम लोग के 85 के हो गए चलान। एंड एनीवे इट्स सो फेमस आउट देयर, आजकल इस पे ही चर्चा चल रही है, तो चांदनी चौक में भी इसी बात पे चर्चा चल रही है। एंड हम लोग को थोड़ा रोमांस करना था, बट रोमांस इतना महंगा पड़ जाएगा इतनी मंदी में और गरीबी में, ये नहीं सोचा था हमने, बट स्टिल एवरीथिंग इज़ फाइन। पापा ने भर दिया, पापा को फिर से थोड़ा सा मैन्युपुलेट कर दिया है मैंने गंदी बच्ची बन के बट ये सब हो चुका है और हम लोग फाइनली पकौड़े इंजॉय कर रहे हैं 85 की। क्या चल रहा है, मतलब आज पर्स मिला, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए मतलब जीजा जी, लेकिन उस जगह आकर के इलायची जी ने जो कान कसे हैं, क्या चल रहा है? जी दरअसल क्या है कि आज हम बदनाम चौक से गुजरते हुए जा रहे थे चांदनी चौक में, और गुजरते गुजरते हमें एक बटुआ दिखा तो हमने उठा लिया और सोचा कि भाई ठीक है किसी का बटुआ होगा, तो अंदर देखा 4,000 रुपये मिले तो काफ़ी खुश हैं, तो मैंने आगे ये बात पिंटू से शेयर करी और पिंटू जो है वो अपने डिमांड्स रख रहा है ऑलरेडी, और वो ये कह रहा है कि भाई मुझे भी 3500 चाहिए, मुझे सुनीता जी को गिफ्ट देना है, और मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुझे पैसे नहीं देने वाला क्योंकि ये पैसे मुझे मिले हैं, और इतने में एलआईसी जी आती हैं और वो कहती हैं कि नहीं ये गलत बात है, आपको जाके पिंकी दरोगा को दे देना चाहिए था, तो हम लोग काफ़ी बाद में अपसेट हो गए बेसिकली, क्योंकि वैसे लड़ाई झगड़े में किसी का भी फायदा नहीं हुआ, ना आपको पैसे मिले ना पिंटू भाभी को मिले। एग्जैक्टली, एलआईसी जी जाकर के पुलिस में अभी दे देंगी। हाँ मतलब कुछ नुकसान हो गया हमारा काफ़ी बड़ा, और ये सब आई थिंक पिंटू के कारण हुआ है, क्योंकि अगर वो ना मुझसे लड़ता तो फिर भी मैं उसे 500,000 दे देता दया करके, पर अब तो पूरे 4,000 गए। साथ ही साथ आप मतलब खुश थे ताकि आप इलायची जी के लिए कुछ कर पाए उन पैसे से? हाँ ये हाई मेंटेनेंस बीवी है जी, बिल्कुल उसमें बहुत ही मतलब आपको पता है इलायची काफ़ी हाई मेंटेनेंस है, तो हमने सोचा था कि ये 4,000 रुपये में से कुछ यूज़ करके इलायची जी के लिए गिफ्ट खरीदेंगे, पर उससे पहले ही वो चले गए। बनियान थी लेकिन बनियान की जगह हमें मिली है नाइटी, और हम वो पहन के रेस्टोरेंट में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने हमें ऐसे कस्में वादे दिए हैं कि आपको मेरी गिफ्ट पहन के आनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं कि मेरे पास गलती से नाइटी आ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ नाइटी पहन के बुलाया, वो कह रहे हैं बनियान पहन के इतना भाव खा रहे हैं, तो इसी कन्फ्यूजन में क्योंकि अब इलायची जी जो बोलते हैं मानना तो पड़ता है, इसलिए मैं ये नाइटी पहन के इस रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, और वो देखते ही ऐसे बौखला गई और खुद ही मुझे बाहर ले गई, और बीच में एक दो लड़के भी छेड़ रहे थे, बहुत तालियां वाली भी बज रही थी मेरे लिए, तो आई थिंक मैं एज ए गर्ल बड़ा सक्सेसफुल हुआ। गड़बड़ कैसे हो गई बीच में? ये गड़बड़ बस दुकान पे हो गई, दुकान में डब्बे एक्सचेंज हो गए, जो करुणा जी के लिए गिफ्ट थी वो मुझे मिल गई, जो मेरे लिए गिफ्ट थी वो करुणा जी को चले गई। उन्होंने गिफ्ट नहीं किया, उन्होंने अपने हिसाब से बनियान गिफ्ट किया, लेकिन ये गलती से एक्सचेंज होके आ गई है, तो हम ये सोच रहे हैं कि ये दिया है लेकिन असलियत में उन्होंने बनियान दिया है, तो यस ये कंफ्यूजन हुआ है। तो लड़के वड़के छेड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है लड़के छेड़? अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर अब छेड़ रहे तो क्या कर सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देखा जा रहा था कि आप खुद ही को खुद भी छेड़ रहे थे जब एंट्री। हाँ वो एंट्री से पहले हमें शोर मचाना था, तो मैंने खुद ही अपने आप को छेड़ दिया क्योंकि लड़के कम थे आज सेट पे। सो जहाँ घर नहीं है वहीं मतलब जेल को घर बनाने के इरादे चल रहे हैं? हाँ एक्चुअली क्या ना कि कहीं और रहने का तो कोई ठिकाना है नहीं, तो ये हम सब लोगों का प्लान है कहीं तो कोई ठिकाना मिले, सेठ जी ने तो निकाल दिया घर से, तो सोचा यहीं थाने में तब तक कुछ दिन गुजार लेंगे, लेकिन चूंकि थाने में क्या होता है पुलिस ऐसे तो रखती नहीं है हवालात में या जेल में किसी को ऐसे तो रखते नहीं है, तो फिर थोड़ा वो मारपीट करनी पड़ी है कि जिससे कि पुलिस कोई तो गुनाह करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम लोगों ने पिंकी दरोगा को थप्पड़ भी मार दिया, उनके साथ बदतमीजी की कि कैसे भी करके हवालात में बंद कर दें। भाई कहीं ना कहीं पिंकी जी साथ में ही थे आप लोगों के, साथ ही दे रहे थे कि आपको रहने की कोई जगह मिल जाए जेल में? हाँ वो तो था, लेकिन वो कह रहे थे कि ऐसे कैसे रख लें, कुछ तो मतलब कोई
कोई गुनाह कोई अपराध हो तब रखवाएंगे, तो वो उनके समझ में नहीं आ रहा तो हमने अपराध कर दिया, उन्हें पीट के उनके ऊपर पानी डाल के। इलायची जी भी थी और सब थे वहाँ पे, बट आप दोनों को ही जेल में रखा गया था। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या इलायची जी का ही प्लान है ये कि जब तक घर में जगह नहीं मिल रही है, घर से निकाल दिया है तो कहीं और कहाँ जाएंगे, और तो कोई जानता ही नहीं है, तो बस यही एक ठिकाना, एक सेफ सुरक्षित जगह है कि जहाँ हम रह सकते हैं। तो उनका ये प्लान था कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि पिंकी जी थाने में रख लें। ये एक्चुअली क्या है कि इलायची जी का ऐसा प्लान था कि सेठ जी से पंचम जो है थोड़ा गर्मी से बात करे, जोश दिखाए उनको, और उनको उनसे दबे ना, तो पंचम ने थोड़ा सा बदतमीजी तो नहीं की लेकिन यह है कि उन्हें जवाब दिए तो उन्होंने को लगा ये बदतमीज है, अब इसे घर से निकाल दो, तो घर से निकाल दिया उन्होंने। इसलिए तो क्या है कि इलायची जी की बदौलत ही है जो घर से निकले हैं, तो इसीलिए वह हेल्प कर रहे हैं कहीं तब तक थोड़ा ठिकाना मिल जाए, बाकी आगे देखें क्या होता है। आगे मतलब कैसे टैकल करने वाले, कब तक जेल में रहने वाले पिंडू भाभी और अभी तब? अभी क्या है, जब तक कोई और ठिकाना नहीं मिल रहा है तो सबसे सुरक्षित जगह जो है थाना जेल, क्योंकि वहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी भी है, जगह भी है अच्छी, भी पंखे भी लगे रहने के लिए। और बाकी आजकल कहीं शहर में जाओ तो कहीं बाहर घूमने से, रोड पे लेटने से बेहतर है कि अपना पुलिस स्टेशन में लेटो, सुरक्षित भी हो और सेफ हो। थैंक यू सो मच। ओके, सो मतलब घर नहीं है, मुरारी जी ने घर से बाहर निकाल दिया, तो जेल में जगह ढूंढ रहे हैं अभी आप लोग? जी, दरअसल क्या है कि कुछ खटपट के कारण जो भी कोई आर्ग्यूमेंट हुआ जिसके कारण सेठ जी ने बोला कि तू घर से बाहर निकल जा, तो हम घर छोड़ के आए हैं, और क्योंकि और कोई जगह नहीं है तो इसलिए हमने थाने को डिसाइड किया कि थाने में जाके किसी तरह से जेल में रह लेंगे, पर कम से कम एक छत तो मिलेगी। बट इलायची जी भी काफी साथ दे रही है, मतलब जेल में। हाँ, क्योंकि ये इलायची जी का ही आइडिया है तो इसीलिए वो साथ दे रही है। जी कुछ नहीं, हमारी कुछ एक बहस हो चुकी है जिसमें वो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उन्हें बोल रहे हैं कि अब हम नहीं दबेंगे, और इस बहस में कुछ बहसम बहसी और ऊपर हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें घर से बाहर निकाल दिया जाए फिलहाल, पर ये 2-3 बार चलेगा इस स्टोरी में। जी, वो दरअसल क्या है कि एक गुनाह करना ज़रूरी है ताकि हम जेल में रह सकें, तो हम लोगों ने एक आइडिया निकाला, क्योंकि हम जेल में वैसे तो रह सकते नहीं है, तो हमने पुलिस वाले के ऊपर जो हमारे दरोगा साहब हैं उनके ऊपर प्यार से पानी छिड़क दिया ताकि एक गुनाह भी हो जाए और हम रह भी पाएँ।